भारतीय जनतंत्र मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार जमशेदपुर में हुआ। लोकसभा चुनाव में पार्टी के कदम को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजमो बोकारो जिलाध्यक्ष पंकज राय व धनबाद जिलाध्यक्ष उदय सिंह ने जहां सरयू राय को धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, वहीं कई सदस्यों ने जमशेदपुर सीट से बतौर उम्मीदवार बनने की बात कही। सरयू राय किस लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनेंगे, इसे लेकर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में राम नारायण शर्मा, आशीष शीतल मुंडा व पीएन सिंह को शामिल किया गया है। कमेटी एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देगी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सरयू राय हाल के दिनों में काफी सक्रिय रहे हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बीच में मौजूदा सांसद पशुपति नाथ सिंह व सरयू राय के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। दोनों ने ही मर्यादित भाषा में एक दूसरे पर निशाना साधा था, लेकिन सरयू राय हर बार धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबर का खंडन करते रहे। लेकिन पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर भाजमो की कमेटी का धनबाद लोस क्षेत्र में दौरा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया था। सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।